चंडीगढ़ के 49 सेक्टर में हुई वारदात को अंजाम मिला है। 6 मार्च की शाम चंडीगढ़ 49 सेक्टर में जो हत्या हुई थी उसके गुनाहगारों को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपियों की पहचान सुदीप बहल और नवीन बताया है, जो कि राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। पुलिस ने आरोपियों से हथियार बरामद किए हैं, जो कि एक मैगजीन पिस्टल और दूसरा देसी कट्टा बताया गया है। ये 6 मार्च को इंसिडेंट हुआ था पुलिस स्टेशन 49 के एरिया में, जिसमें विशाल छिल्लर नाम के एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी और उसके और 4 साथी इंजोर हो गए थे। तो इसमें 8 मार्च को 5 अक्यूज गिरफ्तार हो गए थे और उसके बाद कल देर शाम इसमें 2 मेन अक्यूज जिन्होंने फायरिंग की थी, सुदीप पहल और नवीन सहरावत, ये दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं। इन दोनों की उम्र 22-23 साल की है। DAV कॉलेज में ये लोग पढ़ते थे। इनसे 1 पिस्टल कंट्रीमेट और 1 देसी कट्टा रिकवर हुआ है और इन्हीं दोनों वेपन्स के साथ उन्होंने वारदात वाले दिन फायरिंग करके विशाल छिल्लर की हत्या की थी। अभी तक ये पता चला है कि पटियाला से और सोनीपत और जींद में इनके कई दोस्त रहते थे। इन दोस्तों के साथ इन्होंने तालमेल किया और आगे इन्होंने हमें 2 नाम दिए हैं जिनके थ्रू इनको ये वेपन्स मिले हैं, तो हमारी टीम उन अक्यूज के पीछे भी लगी है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट।